कंबल धो दिया है, एक एक करके धोऊंगी सबको। नल पे ही नहीं छोड़ने देती हूँ, रस्सी पर टांगूंगी ना तो रस्सी टूट जाएगी, बहुत भारी हो जाता है, मेरी सांस फूल गई। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सुबह का टाइम तो नहीं है, दोपहर हो गई है, खाना वगैरह हो गया है और आज मैं ना गुलाब जामुन बना रही हूँ क्योंकि होली आ रही है और मैंने आपसे कहा था कि मैं गुलाब जामुन और दही बड़े तो बनाऊँगी। तो यहाँ पर ना मैंने मावा ले लिया था और मावे के अंदर ना मैं मैदा मिला रही हूँ। तो मैं मैदा है ना इस अकॉर्डिंग मिलाती हूँ कि मावा जैसे ना थोड़ा सा जैसे पराठों का आटा होता है ना वैसी मैदा हो जाए, तो इतनी मैं इसके अंदर मैदा मिलाती हूँ ना। और यहाँ पर मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर, आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हो। और डायरेक्ट आटे में मिलाने से अच्छा है कि इस तरह से मिलाएं, आप थोड़ा सा दूध की दो चार बूंदें डाल लें और उसको पहले ही मिक्स कर लें जिससे इसके अंदर कोई गांठे वाँठे ना रहे, और उसके बाद में थोड़ा सा स्प्रेड करके और फिर इसके आटे के अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इससे क्या होता है ना कि गुलाब जामुन बड़े फूले फूले बनते हैं, मतलब कि सॉफ्ट भी बनते हैं और साथ में फूले फूले बनते हैं, और आटे का डोर जो है वो कुछ इस तरीके का मैंने लगा लिया है। कल मैदा की मीठी वाली वो बनाई थी मठरी, तो उसकी चाशनी है ये, तो उसी के अंदर ही मैं डाल रही हूँ ये एक बाउल भर करके चीनी है ना, और जितनी चीनी लेंगे उतना ही पानी। बस गैस पे चढ़ा दें। यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन की चाशनी, एक्चुअली चाशनी नहीं होती है ये, जैसे ना पानी और चीनी अलग अलग होते हैं ना, वो अलग अलग ना रहे ऐसी हमें बनानी होती है। तो जितनी चीनी लेते हैं उतना ही हमें पानी लेना होता है बेसिकली, लेकिन मेरी जो चीनी थी वो पहले से ना एक तार की चीनी थी, तो इसलिए मैंने एक ना बाउल चीनी ली थी और उसके अंदर मैंने एक बाउल पानी डाला था, लेकिन उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पानी और डाला था क्योंकि ना मुझे इसे थोड़ा सा लिक्विड करना था और जो पहले चाशनी बनी हुई थी उसको ठीक करना था। और यहाँ पे मैंने ना जो इलायची है उसे मैंने कूट लिया है और कूट करके इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया है, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। क्योंकि अगर आपके पास में केसर है तो आप केसर भी डाल सकते हो, और इलायची के जो छिलके होते हैं ना वो मैं चाय की पत्ती का जो डब्बा होता है ना उसमें डाल देती हूँ, तो चाय वाय बनाते हैं ना तो फिर उसके अंदर डल जाती है, तो थोड़ा बहुत है ना चाय के अंदर इलायची का आ जाता है ना फ्लेवर। और ना यहाँ पर मैं लेकर के बैठ गई हूँ अपनी मैदा को वापस से, तो यहाँ पर जो है ना बना करके रखा था मावे और मैदे का जो मिश्रण उसे मैं अच्छे से एक बार और है ना गूंथ लूँगी। जितना आप ऐसे गूंथोगे, जितना आप इसको सॉफ्ट कर लोगे, मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी गांठे नहीं रहनी चाहिए, जितना अच्छा ये होगा ना उतनी अच्छे है ना गुलाब जामुन बन करके तैयार होते हैं। यहाँ पर मैं ना बना करके रख ले रही हूँ, दो बैच बना करके रख ली, दो तीन बैच बना करके रख लिए, बाकी मैं ना बनाते बनाते बना लूँगी, तो इसलिए क्योंकि फिर ना ऊपर से नहीं तो पपड़ी सी आ जाती है, इसलिए तो यहाँ पर ना मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है और साथ में यहाँ पर ना जो आगे के थोड़े बहुत बचे हैं उनको भी मैं बना ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ ताकि ना टाइम भी कम लगे, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाए। कल कमेंट भी आया था कि आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हो, तो कल मैं ना 7:30 बजे के आसपास लगी थी और फिर मैं 12:30 बजे तक लगी रही थी, ऑलमोस्ट मैंने 5 घंटे काम किया था। तो उसके अंदर मैंने मठरी बनाई थी और साथ में खाना भी बनाया था, तो ये वीडियो में ऐसा लगता है कि थोड़े से टाइम में बन गया है लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक डाल करके देखा था कि ना सही बन रहे हैं क्या, अगर सही बन रहे हैं तो आप बाकी के डालिए, अगर नहीं बन रहे हैं जैसे आपके ना थोड़ा सा जैसे टाइट टाइट से बन रहे हैं तो उसके ना थोड़ा सा ना जो वो गूंथा है आटा आपने उसके अंदर दूध मिला दीजिए, अगर ना सॉफ्ट बन रहे हैं तो उसके अंदर मैदा मिला दीजिए। तो कुछ भी डरने की बात नहीं है, स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा सा डर लगता था लेकिन अब मुझे नहीं लगता है। और इस तरीके का मैंने कलर लिया है, थोड़े से काले होते हैं ना वो ही अच्छे लगते हैं, तो कलर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि लाइट कलर के बनाने या डार्क कलर के। और चाशनी है ना वो भी थोड़ी निभाई होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर ना वो बना लिए थे उसके बाद में मैं और बना ले रही हूँ। और हाँ,
एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डालते के साथ में ना इनको कलछी मत लगाइएगा, थोड़ा सा पहले इनको ना हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद में लगाइएगा, नहीं तो टूट जाते हैं। और ना इनके अंदर कहीं से भी कोई भी क्रैक नहीं होने चाहिए, अगर क्रैक होते हैं तो ये बीच में से फटे फटे से दिखने लग जाते हैं, इसलिए इनके अंदर कोई भी क्रैक नहीं होने चाहिए। और आप इनके बीच में ना पताशे भी भर करके बना सकते हो, लेकिन मैंने तो मीठा कम ही बनाने की उसमें ना मैंने नहीं डाले हैं, पिछली लास्ट ईयर भी मैंने नहीं डाले थे और उससे लास्ट ईयर मैंने ना पताशे भी डाले थे। तो पताशे से ये होता है कि ना फिर वो गर्म पानी मतलब तेल के अंदर जाते हैं ना, तो फिर वो पताशे पिघल जाते हैं, जिससे ना बीच में से खोखले खोखले बनते हैं। यहाँ पर मैंने ये मूंग की दाल ली है, उसके अंदर थोड़ी सी उड़द की दाल भी मिला ली थी, और इसको मैं अच्छे से धो करके 2 से 3 बार और इसको भी मैं भिगो करके रख रही हूँ ताकि मैं दही बड़े बना पाऊँ। तो मैं इनको इसको ना ये काम भी ना अभी कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको है ना कट करके दिखा रही हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। मैंने ज़्यादा देर चाशनी में नहीं रखे हैं ताकि इनके अंदर ना ज़्यादा चीनी ना भरे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हर्षित के पापा खाएं भी एक दो, तो क्योंकि मेरा मन मानता नहीं है कि है ना उनको नहीं खिलाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए कितने सॉफ्ट बने थे। अभी फिर दोपहर में थोड़ी देर सो गई थी, यहाँ पे है ना बाहर थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगा करके आई, धोया धाई करी है थोड़ी सी, फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने मुँह वगैरह धो लिए थे कि मैं लड्डू गोपाल जी के साथ में ना होली खेल लिए। फिर मेरी मुझे याद आया कि अरे मुझे दवाई भी लेनी है, मैं दवाई लेना ही भूल गई, तो फिर मैं यहाँ पर दवाई लेने बैठ गई थी। मेरी तबीयत है ना अभी पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ना सही नहीं चल रही है, दवाइयों के उस पर ही मैं रह रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने दवाई ली है और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलनी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सफाई कर ली है, उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना उनको आसन दे दिया है, उसके ऊपर मैंने एक प्लेट रख दी है, थोड़ा सा ऐसे लगे कि हाँ लड्डू मार होली खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा लड्डू वाला डेकोरेशन भी होना चाहिए, हमारे लड्डू गोपाल जी को अच्छा लगे, इसलिए यहाँ पर मैंने उनको बिठा दिया है। और मैंने भी है ना अब समर्स की ना पोशाकें निकाल ली हैं, आप लोगों से मैंने पूछा था तो सब ने कहा कि हाँ आप लोगों ने पोशाकें निकाल ली हैं, तो मैंने भी निकाल लिए आज। और मैं धोई नहीं हूँ क्योंकि हाँ मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही थी, धोऊंगी मैं शायद कल। और यहाँ पर ना मैंने इस तरह से फूल सजा करके और उसके बीच बीच में ना लड्डू रख दिए थे, ताकि हमारे लड्डू को लड्डू के बीच में उठा दिया है मैंने, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मार होली होती है, लेकिन मुझसे तो मारा ही नहीं जा रहा था, मुझे तो बड़ी दया आ रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी को लग जाएगी, तो मैंने बस ऐसे ही तोड़ करके ना रख दिए थे, मतलब इनके ऊपर बरसा दिए थे। और इसके बाद में मैंने भोग लगा दिया था, फिर उसके बाद में गुलाब जामुन बनाए थे, तो उन लड्डू गोपाल जी को गुलाब जामुन का भी भोग लगा दिया क्योंकि दोपहर में वो सो रहे थे। उसके बाद में ना मैंने ना होली खेली, उसके बाद में ना फिर हर्षित ने भी खेली। अभी आरती वगैरह करने के बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैंने दाल भिगो दी थी, आपको दिखाया था। तो यहाँ पर बस दाल को है ना मैंने चलनी में निचोड़ने के लिए रख दिया था, क्योंकि पीसते समय ना बिल्कुल भी ना दाल में पानी नहीं होना चाहिए। और पास में मैंने एक है ना वो रख लिया, इसके अंदर पीस पीस के इसमें डालती जाऊँगी, इसमें ना हाथ से इसको ना घोटने में ना सही रहेगा। तो यहाँ पर मिक्सी में बस पीस लिया है, और ये थोड़ी सी अभी दरदरी सी है, एकदम स्मूथ पेस्ट हमें चाहिए होता है इसके लिए, तो मैं दोबारा से इसको पीसूँगी और फिर बिल्कुल स्मूथ पेस्ट
पेस्ट बनाऊंगी, और उसके बाद में ना हाथ से भी इसको है ना थोड़ा सा इस तरह से फेंटना होता है, तो जिससे कि ये ना थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाती है, हल्की हो जाती है, पानी में जाते के साथ ही ये ऊपर आने लगती है। तो इस तरह से जब बनाते हैं ना तो फिर दही बड़े जो हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर बस मैं इनको फ्राई कर ले रही हूँ। फाइनली मेरे गुलाब जामुन और दही बड़े दोनों ही बनकर के तैयार हो गए हैं। दही बड़ों को अभी मैंने भिगोया नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही थी कल रात को भिगो दूंगी, ताकि ना आराम से भीग जाएंगे जब खाएंगे। उससे 2-3 घंटे पहले भी भिगो गर्म पानी में तो आराम से भीग जाते हैं। और मैंने तो पहले इसलिए बना के रख दी कि कल ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि कल होली का व्रत भी रहता है। तो आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग भी होली का व्रत रखते हो या फिर नहीं रखते हो, बताइएगा। हमारे यहाँ तो होली का व्रत रखते हैं, मायके में भी रखा जाता है और ससुराल में भी रखा जाता है, तो हम तो रखते ही हैं। मतलब व्रत मतलब जब तक कि ना होली के ना शाम के टाइम में पूजा करके और फिर खाना खा लेते हैं, तो इस तरह से व्रत होता है। तो होली का व्रत रहता है, और साथ ही साथ है ना कल है छोटी होली, तो आप सभी को छोटी होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जो होली का माता है उसके अंदर सारी आपकी दुख है, पीड़ाएं हैं, कष्ट है, सब प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी उसके अंदर स्वाहा हो जाए, यही मेरी कामना है। और बस इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, लाइक से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की, और कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलता है कि कौन कौन मुझसे जुड़ा हुआ है। तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर किया कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, एंड वंस अगेन हैप्पी होली।